ये वीडियो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक सिर्फ और सिर्फ चेरापुंजी के बारे में और दूसरा आउटसाइड चेरापुंजी। मैं मेघालय दो बार गई थी, एक बार जब मैं 9 to 5 जॉब करती थी, कॉर्पोरेट सेटअप था, ज़्यादा छुट्टी नहीं थी, सिर्फ 5 दिन थे मेरे पास, और दूसरा विद आर गेस्ट फोक्स जब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था। हम 3 हफ्ते थे मेघालय में और हमने मेजरली ऑफ बीट प्लेसेस तब एक्सप्लोर किए थे जहाँ टूरिस्ट यूजुअली नहीं जाते हैं, और वो जगह आउटसाइड चेरापुंजी है। This particular video will talk about, will cover Cherrapunji in particular. This is the itinerary I followed on my 5-day solo trip in Meghalaya. But इस video में मैं specifically Cherrapunji के बारे में बात करने वाली हूँ, तो आपके preference पे depend करता है कि 4-5 दिन में आप docking include करना चाहते हो, नहीं करना चाहते। So, आप पहले गुवाहाटी असम पहुँचो, वहाँ से आप एक स्कूटी या बाइक रेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप एक शेयर टैक्सी भी ले सकते हो जो एयरपोर्ट के बाहर ही मिल जाएगी। रास्ते में आप उमियम लेक क्रॉस करोगे और वहां से गो टू शिलोंग्स पुलिस बाजार एंड स्टे देयर। इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू स्टे इन शिलोंग, एंड इफ यू हैव टाइम एंड एनर्जी गो टू ML05 कैफे फॉर डिनर। सो जंपिंग टू चेरापुंजी, व्हाट ऑल यू कैन डू, सिंस आपका फर्स्ट डे बहुत लाइट था, आई थिंक ऑन डे 2 and 3 यू कैन ट्रैक। रास्ते में आप मॉकडॉक वैली क्रॉस करोगे एंड देन यू विल रीच तिरना जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। And today I think is the most challenging day of this entire trip. We are in Tirna and we have to go 3500 steps down to another village and then climb all the way up. We are today seeing the double decker road bridge, which is one of the most prominent spots, and yes, we have started very early today so that we can do this in one single day. For breakfast aapko bahut sare local shops mil jayenge raste mein, which will save both time and money. Just to clarify, yes, is video mein mere sath log hain kyunki jab main second time Argus folks ke sath dobara gayi thi Meghalaya, tab हमने दोबारा मैंने उन लोगों के साथ चेरापुंजी एक्सप्लोर किया था, तो ये फुटेज उस टाइम का है, इसलिए मेरे साथ लोग हैं। फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड इज टू ग्रैब अ फ्यू स्नैक्स लाइक बनानास, लॉट्स ऑफ वाटर्स बिकॉज इट्स रियली डिफिकल्ट, द ट्रैक इज वेरी चैलेंजिंग एंड फिजिकली वेरी डिमांडिंग। बहुत बहुत तकलीफ होंगे पैरों में, देखिए मैं तो प्रिपेयर आया है, प्रिपेयर करके आया है। You can park your bike here and then go down the 3000 steps. रास्ते में आपको छोटे छोटे शॉप्स मिल जाएंगे खाने पीने के सामान के लिए, एंड आफ्टर 30 to 45 मिनट्स यू विल रीच द फर्स्ट सस्पेंशन ब्रिज। सो आई थिंक द लास्ट टाइम व्हेन आई केम इट वाज नॉट दिस प्रॉपर्ली बिल्ट, नाउ इट इज लाइक प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड एंड इट इज नॉट दैट स्केरी। So right now we are crossing the second bridge. This is properly made. और करीब 1.5 घंटे के बाद हम पहुंच गए सिंगल लिविंग रूट ब्रिज पे, जहां से डबल डेकर बस 10 मिनट दूर है। डबल डेकर या नॉन गियर पहुंच के या तो आप यहाँ रुक सकते हैं और अगले दिन जा सकते हैं सुबह सुबह रेनबो फॉल्स की ओर। बहुत सारे ऑप्शंस तो नहीं है नॉन ग्रियार विलेज में रुकने के लिए, बट होमस्टेज बहुत ही कंफर्टेबल और बहुत ही चीप हैं। एक नाइट यहाँ पे आप इजीली स्पेंड कर सकते हो और बहुत ही पीसफुल जगह है। रेनबो फॉल्स करीब 1 घंटा दूर है नॉन ग्रियार विलेज से, और वहाँ पहुँचने का रास्ता बहुत ही ज़्यादा सीरीन है। सीरीन पाथ के अलावा आप बहुत आवाज़ें सुनेंगे इंसेक्ट्स की पूरे रास्ते में, इट फील्स लाइक नेचर्स मेलेडी। एंड व्हेन यू विल रीच रेनबो फॉल्स द एंटायर जर्नी विल फील वर्थ इट। मिडवे यू विल आल्सो फाइंड नेचुरल पूल्स where you can relax, take a dip inside the river. वापस उसी दिन ऊपर आके eat food at Cherrapunji at Orange Roots. बाकी दिन पे you can explore the nearby waterfalls जैसे कि Nohakalikai Falls, Seven Sister Falls, Denthalin Falls. But my favorite fall is another one, Vaisodong, जिसको देखने के लिए दोबारा थोड़ा सा बस थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। ओके, 3, 2, 1, गो। वाओ!
So we are currently right outside the secret forest. This behind me is the secret forest. We have a guide, he's taking us inside. And this forest is very sacred, as the name suggests, for the people, for the locals of Meghalaya. Rituals are performed here, and it is said that nothing can be taken outside from this forest, and if you take even a dry leaf, bad luck will follow you. Other places that you can explore if you're very close to Chirapunji is Mofalong Sacred Forest, and from there you can go to David's Court, which is another 16 kilometer hike and is really picturesque. Hello, my name is R.K. Nelson Wankha. I'm the local guide from your Mofalong village. I'm guiding Sacred Forest, and here this is a Davis Court trekking that will go now also. And this Davis Court trekking is a 16 kilometer. It's a road where built by this Davis Court. He's a foreign people, and he built the road only for trading things and all from Gauti, Eridi, and to Silhet, Bangladesh. This road resulted in a war amongst the Khasi people. On last day, take your flight back. But if you have more time, watch my next vlog for other places that you can explore in Meghalaya. See you in the next video, guys. Bye-bye.